हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल। और आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में, मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कि टर्नओवर। आप यदि शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो आपके लिए टर्नओवर क्या होगा और आपको इनकम टैक्स में क्या टर्नओवर दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आप लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी, इनकम टैक्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस में पाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, यदि आप शेयर ट्रेडर हैं, शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली आप इंट्राडे की पहले बात करेंगे, स्पेशली आप यदि इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें आपने जितने भी स्टॉक्स को उस डे में परचेज किया है, सेम डे में स्क्वायर ऑफ भी वहाँ सेम डे में होगा। तो इंट्राडे का मतलब होता है कि जो भी परचेज को आपने खरीदा है या बेचा है, आप सेम डे में उसको स्क्वायर अप करेंगे। और आपका इंटेंशन उसको होल्ड करने का नहीं है, आपका इंटेंशन उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करने का है। तो इस केस में आप जब इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका टर्नओवर क्या होना चाहिए? तो टर्नओवर एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये होना चाहिए कि आपका जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट का मतलब होता है कि टोटल नेगेटिव प्लस टोटल पॉजिटिव, मतलब टोटल परचेज जो किया है और टोटल सेल्स जो किया है, जो प्रॉफिट आपको आता है, यदि वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव प्रॉफिट जो है वो आपका टर्नओवर हो जाएगा। इनकेस वो नेगेटिव है तो जो नेगेटिव फिगर आ रहा है वो आपका लॉस हो गया, वो आपका टर्नओवर उस केस में कुछ होगा नहीं, लेकिन लॉस तो होगा, उस लॉस को आपको क्रेडिट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो चलिए अपन समझते हैं कि इसमें कैसे कर सकते हैं। इन केस आप दो एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है। पहला एग्जांपल ऐसा है कि आपने कुछ ट्रेड किया, उसमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरा आपने ट्रेड किया 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आपका टोटल एब्सोल्यूट प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपये का। तो इस केस में आपका जो टर्नओवर होगा वो 15,000 रुपये होगा। लेकिन वो केस की हम बात करते हैं जब आपको लॉस हुआ है और आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। जब नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट होगा तो वो लॉस से वो प्रॉफिट सेट को सेट ऑफ आप कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट जो आपको जो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी वो है टैक्स ऑडिट की, जिसको सेक्शन 44AD के अंडर आपको करना होता है। तो सेक्शन 44AD क्या बोलती है? यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ के एक्सीड है और यदि आपको लॉस हुआ है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, और टैक्स ऑडिट कराना है तो आपको सीए की आवश्यकता पड़ेगी, सीए ही आपका टैक्स ऑडिट करेगा, राइट। तो दोस्तों, यदि दो केसेस हो सकते हैं। इंट्राडे में यदि आपको प्रॉफिट होता है, मतलब टोटल सेल्स माइनस परचेज, मतलब टोटल लॉस और प्रॉफिट का जो इंटीग्रेटेड प्रॉफिट आएगा जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रॉफिट, वो आपका टर्नओवर होगा। यदि वो प्रॉफिट है तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस के तहत आपका प्रॉफिट में काउंट होगा, टर्नओवर पे काउंट होगा और वो डायरेक्ट आपके प्रॉफिट में आ जाएगा, राइट। यदि आपको ट्रेडिंग से, इंट्राडे से लॉस हुआ है, स्पेकुलेशन लॉस हुआ है, तो अप टू 4 ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब अपकमिंग 4 ईयर में यदि आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से आप इस लॉस को सेटिस्फाइड या सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लॉस के केसेस में आपको सीए से ऑडिट कराना मैंडेटरी है, तभी आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, राइट। और यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे में आपको प्रॉफिट या लॉस है, तो आपको ITR 3 ही फाइल करने पड़ेगा, जो बिजनेस का ITR होता है, राइट। तो पहली चीज़ है इसकी कि इनकेस आपको लॉस है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है, तभी आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। इक्विटी ट्रेडिंग जो स्पेकुलेशन बिजनेस में आती है, FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप करते हैं तो वो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में आता है, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि लॉस होने पे आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, तभी आप लॉस को मैक्सिमम 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 4 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब होता है कि आप 4 साल तक यदि इंट्राडे में प्रॉफिट कमाते हैं तो ये लॉस से वो प्रॉफिट सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब सेटअप हो जाएगा, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो आपको टैक्स ऑडिट कराना फिजिबल होता है इनके अवधि लॉस ज़्यादा हो, राइट। प्रॉफिट है तो नॉर्मल, आपको प्रॉफिट में नॉर्मल के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये देखिए, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम ओनली। मतलब स्पेकुलेशन का लॉस, इंट्राडे का लॉस, इंट्राडे के प्रॉफिट से ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अब दूसरा केस आता है, इनकेस आपने शेयर ट्रेडिंग किया, इंट्राडे नहीं किया,
आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तो उसमें आपको एज अ इन्वेस्टमेंट वो ट्रीट किया जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस शेयर को बेचने पर आपको लगेगा। जो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म का है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में जो 15% टैक्स लगना है वो लगेगा, लॉन्ग टर्म में 10% लगना है, कुछ एग्जेम्पशन जो मिलना है वो मिलेगा, राइट। तो स्पेशली इंट्राडे के लिए ये वीडियो था, तो इंट्राडे से रिलेटेड यदि आपको और भी कोई भी क्वेश्चंस हो, टर्नओवर क्या होगा मैंने आपको बता दिया, आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो टर्नओवर है, मतलब जितना भी आपने साल भर में बेचा खरीदा उसका नेट ऑफ, लॉस हुआ तो आपको सीए से ऑडिट कराना है और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते तो ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब।